हेलो फ्रेंड्स, पॉल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए चने दाल पालक के साथ की एक रेसिपी लेके आए हैं, जिसको बनाने के लिए हमारे को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार है। चने की दाल एक बड़ी कटोरी ली है, जिसको अच्छे से धो के 2 घंटा भिगो के रखना है। थोड़े से नमक और हल्दी के साथ इसको बॉईल कर लेना है। साथ में हमको पालक चाहिए गड्डी, और ये है हींग जीरा, और एक लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ है, हरा मिर्चा है, नमक, टमाटर, एक बड़ा टमाटर है और एक बड़ा प्याज है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसे लग रही है। तो ये हमने तेल गरम किया है, जिसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, और इसमें हमने अभी लाल मिर्चा डाला है, हींग और जीरा डाल के चटका लिया है, प्याज डाल दिया, डाल के हम प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, अदरक लहसुन ग्रेटेड है, साथ में हरा मिर्चा भी डाला है, तो थोड़ा सा अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालेंगे, नहीं पसंद है तो ना डालिएगा। एक टमाटर, बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डाल के हम थोड़े से नमक डाल देंगे, नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि दाल जब हम लोगों ने बॉईल की थी तब उसमें भी नमक पड़ा था, तो नमक डालने से जो हमारा टमाटर है थोड़ा जल्दी गल जाएगा। हल्दी, मिर्चा, मिर्चा अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी हल्दी डालिए, भुन गया है। 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने। जब सारा मसाला अच्छे से भुन जाए, तब हम इसमें अब अपने कटे हुए पालक डालेंगे, जो शुरू निकाल कर रखा हुआ 1 गड्डू पालक है। पालक भी जब अच्छे से थोड़ा हो जाए, तब हम इसमें थोड़ी सी मैं चीनी मिला रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, मुझे थोड़ा चीनी डालने की आदत है सब्जियों में। चीनी डालने से वैसे हरी सब्जियों का रंग भी सही रहता है, इंटैक्ट रहता है। ये हमने अपनी बॉईल की हुई दाल मिला दी है। फ्रेंड्स, बहुत लोग इसको पालक को अरहर की दाल के साथ भी बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। और बॉईल करते वक्त, दाल बॉईल करते वक्त भी हम पालक डाल के बॉईल कर सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से किया है। अच्छे से अब इसको हम 10 से 12 मिनट तक सिम में पकाएंगे। अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाल ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई, पालक वाली दाल, जो कि बहुत ही पौष्टिक है। होप फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।